कांग्रेस विक्रमादित्य के एक बयान से परेशान होकर उनसे नाराज है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयूवर न्यूज़, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक और हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब सुर्खियों में आने की वजह है उनका एक विवादित बयान। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जितनी भी सड़कों पर दुकान है उन लोगों को अपनी दुकानों पर पहचान पत्र लगाना जरूरी होगा। इसके बाद कांग्रेस ने ही उनके बयान को नजरअंदाज करते हुए कहा कि ऐसा कोई भी औपचारिक फैसला नहीं लिया गया। लेकिन इस नेम प्लेट वाले बयान के बाद वह विवादों में आ गए और इन विवादों के दौरान उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से रविवार 29 सितंबर को मुलाकात की। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने फेसबुक पोस्ट पर दी। विक्रमादित्य ने कांग्रेस अध्यक्ष के साथ अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए मुलाकात की, कहा, आज नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और हिमाचल के संगठन और सरकार के विकास के मसलों पर चर्चा की। हिमाचल और हिमाचलियात के हितों की रक्षा करना हमारा परम दायित्व है, जिस परिप्रेक्ष्य से हमने उनका आशीर्वाद लिया। अब यह मुलाकात इतनी चर्चा में इसलिए भी आई क्योंकि मुलाकात उस दौरान हुई जब हिमाचल प्रदेश में सड़कों पर दुकान लगाने वालों के लिए दुकानों पर अपना पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य करने की विक्रमादित्य ने बात कही। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने ही मंत्री के बयान से खुद को अलग कर दिया था। राज्य सरकार ने कहा था कि ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और ना ही लिया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कुछ बातें और कही थी। उन्होंने कहा, मैंने खड़गे जी के सामने हिमाचल प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दे उठाए, उन्होंने धैर्य के साथ मेरी बात सुनी। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी के समर्पित सिपाही है, कांग्रेस के मूल सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब एक सवाल यह भी उठता है कि अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार उनकी बात मान भी लेती है, विक्रमादित्य की सबको अपनी दुकान के आगे नेम प्लेट लगाने की होगी, पहचान दिखानी होगी, तो फिर जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इस फैसले का विरोध कर रही है, क्या वह नाराज नहीं होगी? क्या दोनों ही राज्यों के नेताओं के बीच टकराव नहीं देखने को मिलेगा? आपको इस पर क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा वीयूवर न्यूज।